Unites.com, redefining Bollywood. Produced it's a social satire, व्यंग है और हॉरर फिल्म नहीं है. इट्स एज अदी जी पुट्स इट घोस्ट स्टोरी है, घोस्ट लव स्टोरी है ऑफ पीपल ऑफ और आजकल के हालात पर. अच्छा व्यंग है, अच्छा सरकैज़म. गैंग ऑफ घोस्ट, मैं भी एक भूत बना हूँ इसमें, बट इसको गैंग ऑफ घोस्ट कहना वुड बी अनफेयर क्योंकि घोस्ट नॉर्मली लोगों को डराते हैं. इस फिल्म में इट इज़ जो घोस्ट की समस्या होती है, इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी ऑफ आफ्टर लाइफ कि मरने के बाद आदमी के साथ होता क्या है और वो एक टाइम जोन में फंस जाता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है सतीश जी ने. ये जब इकट्ठे होते हैं और सारे भूत एक बार इस मेंशन में आ जाते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, बेशक हम एक अच्छे इंसान ना बन पाए हूँ लेकिन अच्छा भूत बन के जरूर दिखाएं. आई थिंक फॉर मी, एज आई सेड बिफोर, फॉर मी द मेन रीजन फॉर साइनिंग गैंग ऑफ घोस्ट वाज टू वर्क विद सच सीनियर एक्टर्स. आई एम फ्रॉम साउथ, आई वर्कड इन साउथ एंड बॉलीवुड वाज ऑलवेज अ ड्रीम, बॉलीवुड वाज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई हैड ऑलरेडी साइन 1920. तो 1920 में मैं और शर्मन है और बस मैं और शर्मन ही है, बाकी कोई है नहीं. तो जब मेरे को सतीश जी ने ये मूवी करने के लिए बोला था एंड व्हेन आई सॉ द लाइनअप ऑफ स्टार्स एंड ऑल द एक्टर्स, आई वाज लाइक मुझे मूवी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसा भी हो रहा है, आई वांट टू वर्क विद ऑल दीस पीपल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड.